दोस्तों इन दिनों लगातार गैंगस्टर गोल्डी ब्राड के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। इसी बीच यूपी के एक बड़े कारोबारी को गैंगस्टर गोल्डी ब्राड के नाम पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने को लेकर धमकी दी गई है। तो बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नंबर से फोन करके एक व्यक्ति ने खुद को गैंगस्टर गोल्डी ब्राड बताकर उत्तर प्रदेश के कारोबारी से वसूली की मांग की और उसे धमकी दी है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी और कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी ब्राड NIA और देश के विभिन्न राज्यों द्वारा भी वांटेड अपराधी है। वह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी वांटेड है। दोस्तों शिकायतकर्ता ने बताया कि 10 सितंबर को शाम 6 बजे व्हाट्सएप पर एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से उसके पास कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद का परिचय लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी ब्राड के रूप में दिया, लेकिन कारोबारी ने सोचा कि यह एक फर्जी कॉल है। पर दोबारा उसे 12 सितंबर को उसी नंबर से फिर से कॉल की गई और फोन करने वाले ने उसे फिर से धमकी दी। उसने कहा कि दूसरी कॉल के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कारोबारी को 2 करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया है। व्यवसायी को एक वॉइस नोट भी मिला है जिसमें फोन करने वाला व्यक्ति खुद को गोल्डी ब्राड बता रहा है। साथ इस बारे में एजेंसियों को भी सूचना दे दी गई है, क्योंकि गोल्डी ब्राड जिसके वर्तमान में अमेरिका में छिपे होने का संदेह है, वह एक वांटेड गैंगस्टर है। इस साल जुलाई में इंटरपोल द्वारा ब्राड के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। पंजाब के मुक्तसर साहिब का रहने वाला गैंगस्टर गोल्डी ब्राड साल 2017 में ही इंडिया से भागकर कनाडा चला गया था और तब से ही वह वहां पर रह रहा है। साथ ही कारोबारी ने बताया है कि वह बहुत डर के साए में जी रहा है और अपने दैनिक कार्यों को भी करने में असमर्थ हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में धारा 504 और 507 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों इस प्रकार एक यूपी के कारोबारी से गैंगस्टर गोल्डी ब्राड के नाम पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है, जिसके बाद इस पूरी घटना की सूचना एजेंसियों को दे दी गई है। अब पुलिस द्वारा जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये गैंगस्टर गोल्डी ब्राड ने धमकी दी है या फिर किसी और ने फर्जी कॉल किया है। तो आप क्या सोचते हो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।